खबर ये है कि बाड़मेर में युवा लड़कों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने नेताओं को धमकी दे डाली। लिखा स्पष्ट रूप से, कहा कि अगर इस तरह से उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग कहेंगे एक और राजपूत सितारा चला गया। ऐसी जानलेवा धमकी दी है एक 20 साल के युवा ने। बीते एक महीने में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें 20 से 24 साल के युवाओं ने चुनावी माहौल के बीच मंत्री और विधायकों को जानलेवा धमकी दी है। आइए आपको बताते हैं कब किन विधायकों को धमकी मिली। केस नंबर 1, टारगेट अमीन खान, पूर्व विधायक। तारीख 23 अप्रैल। फेसबुक पर लिखा, 26 जून से पहले काम तमाम, मौत की अग्रिम बधाई अमीन खान। आरोपी पारसमल, 24 साल। केस नंबर 2, टारगेट रविंद्र सिंह भाटी, शिव विधायक। तारीख 27 अप्रैल। इसमें सोशल मीडिया पर रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इस तरह से उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग कहेंगे एक और राजपूत सितारा चला गया। हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे, लेकिन मेरे लोगों में उम्मीदाराम बेनीवाल के कांग्रेस में जाने की निराशाजनक स्थिति के कारण ही रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह पाया, वरना हमने तो बड़े बड़ों को भी अनेक बार पैरों के नीचे रखा है। हमको न तो कोई चुनाव लड़ना है और न ही सत्ता का शौक है। हम चाहते हैं हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजरे से देखने की हिम्मत न करे। बाद में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया, आरोपी मघाराम, उम्र 20 साल। केस नंबर 3, टारगेट हरीश चौधरी, विधायक बायतू। तारीख 27 अप्रैल। इसमें एक युवा ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरीश चौधरी थोड़े ही दिनों के मेहमान हैं, हम हरीश को मौत के घाट उतार देंगे। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को पकड़ा, आरोपी वीर सिंह, उम्र 20 साल। लेकिन हरीश चौधरी ने कहा, मुझे धमकी देने वाले वीर सिंह राजपूत को बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। मेरा बाड़मेर पुलिस से आग्रह है कि इस बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे और उसे छोड़ा जाए। वहीं SP नरेंद्र सिंह मीना का कहना है कि युवा एक दूसरे के समर्थक होते हैं, वे आवेश में आकर इस तरीके की पोस्ट करते हैं। जब पोस्ट करते हैं तब उनको पता नहीं रहता है, जब उन पर पुलिस की कार्रवाई होती है तो वो शर्मिंदा होते हैं, तब उन्हें पछतावा होता है। साइबर टीमें ऐसी पोस्ट पर लगातार कार्रवाई कर रही है। 20 साल के युवा आज के समय मोबाइल का यूज करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए कई अपराधियों के नाम देखते हैं। मेरी सभी युवाओं से अपील है कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर भ्रामक अनर्गल टिप्पणी नहीं करें। पुलिस के इस पर पैनी नजर है, ऐसी हरकतों का अंजाम बुरा होता है। वहीं इस मामले को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, हम सभी को मिलकर युवाओं को रास्ता दिखाना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाना चाहिए जिससे वे ज्यादा व्यस्त रहे। युवाओं को रोजगार देने में कमी रही है, जब वे फ्री बैठे रहते हैं तब उल्टी चीजें सोचते हैं। इन सब के पीछे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, सब अपने फायदे के लिए युवाओं का यूज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने चाहिए।